अमित जी देख रहे हैं कि आज कैसे सीड का अक्टूबर वायदा 6000 पर कार 6090 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। देख रहे हैं कि जो 6100 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा था काफी दिनों से, आज वो 6000 के दायरे में है। आपको क्या लगता है ये कैसे सीड में सीमित दायरे का जो सिलसिला है ये कब तक जारी रहेगा और कैसे सीड में बढ़त कब तक देखने को मिल सकती है? जी देखिए, मेरे हिसाब से जिस तरह से हमने ग्वार सीड और ग्वार गम में एक बड़ा कंसोलिडेशन देखा है और हमने पिछले दो दिनों में एक ब्रेकआउट देखा है या ऊपर की तरफ चलते हुए देखा है, उसी तरह ग्वार सीड में भी एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है जो मेरे हिसाब से 4 या 5 सेशन और चल सकता है, जहां पर ना हो सकता है हमें दोबारा 5930 से 5940 तक देखने मिले। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि अब ये जो कंसोलिडेशन है शॉर्ट लिव्ड है, यानी बहुत ज्यादा देर प्राइसेस जो है नहीं टिकेंगे, अपसाइड हमें जल्दी देखने मिलेगा। इमीडिएट तौर पे 6300 का ब्रेकआउट होगा और उसके ऊपर जब भी प्राइस चलेगी तो हो सकता है कि हम 6700 से 6800 जो हमने लगभग अगस्त में देखे थे जी। वो दोबारा दिख पाएंगे। तो मुझे लगता है कि 4 या 5 सेशन की कंसोलिडेशन के बाद हमें दोबारा तेजी लौटते हुए देख सकती है जी। यानी कि कैसर में तेजी आएगी लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है और फिर कैसर के अंदर काफी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है।